हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा एंजल्स कर्व। तो क्या होता है एंजल्स कर्व? तो देखो, हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक क्या पढ़ा था, हम लोगों ने जाना था इनकम कंजप्शन कर्व के बारे में कि किस तरीके से इनकम के बढ़ने से घटने से या उसके बदलाव से किस तरीके से कंज्यूमर की डिमांड में क्वांटिटी में फर्क आ जाता है, या फिर ये कह लो कि नेसेसरी गुड्स को छोड़ के लग्जरी गुड्स की तरफ ज्यादा मूव करता है इंसान के पास। जब पैसा ज्यादा आता है तो गुड्स में उसके बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं। लेकिन 19th सेंचुरी की बात है, ये जो नाम है ना एंजल्स कर्व, तो बेसिकली क्या था, अर्नेट एंजल्स जो एक जर्मन स्टैटिशियन थे, 19th सेंचुरी में उन्होंने एक रिसर्च करा, उन्होंने जाना कि कई तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में। एक तरह का प्रोडक्ट तो नहीं है। अब देखो, हमारी जो डिमांड है, मोबाइल है, कपड़ा है, खाना है, घूमना है, बहुत सारे की डिमांड होती है। तो जैसे जैसे इंसान के पास पैसा आता है, इनकम बढ़ती है, तो उसकी मल्टीपल चीजें जो उसकी जो डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो ब्रॉड लेवल पे होती चली जाती है। तो हर एक केस स्टडी में अलग अलग चीजें वेरी करती हैं। तो उन्होंने जो अर्नेट एंजल्स थे, उन्होंने फिर इसका कंक्लूजन निकाला और हर एक गुड के कंटेक्स्ट में एक अलग अलग स्टडी निकाली कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रहेगा प्रोडक्ट के या उस गुड के रिगार्डिंग। तो जैसे अभी इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बताने वाली कि हम इसमें जो है ना तीन चार कंटेक्स्ट में हम ग्राफ को समझेंगे। कि जैसा एक हो गया पहले नेसेसरी गुड्स के बारे में जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, दूसरा हम लग्जरी गुड्स के ग्राफ को समझेंगे, फिर हम एक इन्फीरियर गुड्स के डिमांड को समझेंगे। ये मैंने गुड्स यहाँ पे लिखा नहीं है, इन्फीरियर गुड्स, ठीक है ना। और उसके बाद एक गुड और आएगा जिसका इनकम होने से उसकी डिमांड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो वो इसका ग्राफ भी बनाया, वो मैं लास्ट में समझा दूंगा, छोटा सा है उसमें, ठीक है ना। तो एंजल्स कर्व के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखो, शुरुआत करते हैं। इनकम इंक्रीज, स्पेंडिंग ऑन नेसेसिटी इंक्रीज एंड इंक्रीज ऑन लग्जरी गुड्स। तो ये दोनों में क्या होता है कि किस तरीके से जो है रिक्वायरमेंट बढ़ती है। अब देखो, इनकम है, इनकम इंसान की जब बढ़ रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, नेसेसिटी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है और लग्जरी गुड्स की तरफ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है ना। यही एंजल्स लॉ हमारा कहता है। तो अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से समझें तो इसमें जो एक बेसिक जो स्टडी थी जो उन्होंने करी दो लोगों के बीच में, यानी कि गरीब और अमीर आदमी के बीच की उन्होंने एक स्टडी करी, उन्होंने देखा क्या, पुअर पीपल स्पेंड ऑन नेसेसिटी एंड रिच पीपल स्पेंड ऑन लग्जरी गुड्स। यानी कि जो गरीब इंसान है, अगर गरीब इंसान की इनकम बढ़ेगी तो वो लग्जरी गुड की तरफ तो नहीं भागेगा, क्योंकि अगर मान लो एक गरीब इंसान की इनकम है, मान लीजिए पर डे की जैसे दिहाड़ी आज से 400-500 रुपए होती है एक लेबर की, अगर वो मान लीजिए उसकी 400-500 से दिहाड़ी 700-800 रुपए हो जाएगी, तो क्या वो लग्जरी गुड्स की तरफ थोड़ी ना भागेगा। तो वो क्या करेगा, उसको खाने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो नेसेसरी खाने की कंजम्पशन को थोड़ा बढ़ा देगा। यही होता है ना कि एक गरीब इंसान है, उसको खाने को रोटी ठीक से नहीं मिलेगी तो वो अपना पेट पहले भरेगा, और अगर खाने को रोटी में हो जाता है उसका, तो वो फिर थोड़ा कपड़ा और बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में सोचेगा, वो लग्जरी चीजों के पीछे नहीं भागेगा। लग्जरी मतलब हो गया कि फिर मोबाइल फोन हो गया, गाड़ी हो गई, या मतलब लग्जरी मतलब एक तरह से ऐसी चीजें कह लो जो बेसिक रिक्वायरमेंट में नहीं आएंगी, ठीक है ना। एक होता है बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, एक होता है लग्जरी चीजें, लग्जरी एक अलग चीजें हो जाती है, ठीक है। तो वो उसने एक स्टडी देखी। तो अब इसमें क्या हुआ कि दो लोगों को बांट दिया गया कि गरीब की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग लेवल पे होगी, अमीर की रिक्वायरमेंट अलग लेवल पे होगी, ठीक है ना। तो फिर उसके ग्राफ को डिफाइन करा। और तीसरा आता है हमारा इन्फीरियर गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स मैंने बताया था कि क्या होता है कि एक गुड को छोड़ के जब दूसरे की तरफ मूव हो जाएगी, कि उसको छोड़ देंगे और दूसरे की तरफ चल देंगे, तो वो उसकी जो डिमांड है वो गिर जाएगी। कि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि रागी, मेज, बार्ले, ठीक है, बाजरा, वो गरीब इंसान ही खाता है, लेकिन उसको छोड़ के फिर वो अनाज की तरफ भागेगा, कि अनाज थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, चावल या आटा वगैरह लेगा, वो रागी मेज जो है वो नहीं खाएगा, क्योंकि बाजरे की रोटी अगर आप लोगों ने खाई हो तो बहुत हार्ड होती है, नहीं खाई जाती। मक्के की रोटी भी हर कोई खाना पसंद नहीं करता, वैसे तो एक हमारा फूड होता है, पंजाबी फूड है, लेकिन फिर भी लोग टेक्निकली तो लोग ज्यादातर क्या होता है, गेहूं की रोटी खाना पसंद करते हैं, चावल खाना पसंद करते हैं, यही कॉमन फूड होता है, है ना। तो उसमें क्या होगा कि फिर उसकी डिमांड गिर जाएगी, तो वो इन्फीरियर गुड्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके ग्राफ को हम लोग समझेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे ना ये साइन लगाए हुए हैं, N फॉर नेसेसिटी, L फॉर लग्जरी, I फॉर इंफीरियर, और जो चौथा वाला था ना जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जिसको हम न्यूट्रल गुड्स कहेंगे, तो वो अभी मैं लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले एक चीज और बता दूं कि जो इसकी डेफिनेशन है, विद दिस चेंज इन पैटर्न ऑफ कंजप्शन विद द राइज इन इनकम कॉल्ड एंजल्स लॉ, और इसी को हम लोग एंजल्स लॉ कहते हैं, ठीक है ना। अब ग्राफ पे आ जाते हैं। तो पहला हम नेसेसिटी वाला समझेंगे, ठीक है। तो नेसेसिटी वाले में दो ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखो जरा, जब एक इंसान की इनकम 300 रुपए थी तो उसकी क्वांटिटी उसने इतनी डिमांड करी,
उसकी जब वह 300 से 100 रुपए हो गई, मतलब 400 रुपए हो गई, यानी कि 100 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ उसकी सैलरी में, तो उसकी जो क्वांटिटी थी वो Q1 से Q2 आ गई, और जब 500 होगा तो Q3 में पहुंच गई। उसके बाद फिर आते हैं हम यहाँ पे इसके कर्व पे आते हैं। अब हम तो हमारा इनडिफरेंस कर्व यहाँ पे लाई कर रहा था, वो बढ़ता चला गया किस तरीके से। तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई जो हमें पता है, जो दिखा रहा है ग्राफ, इनकम बढ़ी तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई, ठीक है ना। तो जो समझने वाली बात है इस ग्राफ में, उस दो ग्राफ में हमें क्या समझ में आया नेसेसरी गुड में, कि इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी यानी कि उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है, और ज्यादा चाहिए, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर। तो यहां आप समझो इसको नेसेसिटी का बनवाया है कि इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन क्वांटिटी बट डिक्रीजिंग रेट। अब याद करो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने बताया था ना आपको, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हो रहा है कि चीजें तो बढ़ रही हैं लेकिन गिरते हुए क्रम में। तो कहने का मतलब वो हो गया कि अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझो, एक इंसान है उसको खाना खाना है, ठीक है, भूख लगती है। अब वो क्या करेगा कि उसके पास पैसे कम है, क्यों? क्योंकि उसके पास खाने के लिए रोटी के लिए पैसे नहीं है, उसको रोज कम पैसे मिल रहे हैं तो वो कम रोटी खाता है, उसकी खुराक ज्यादा है, तो वो एक रोटी के पैसे हैं, फिर उसके पास दो रोटी के पैसे आ गए, फिर उसके पास पांच रोटी के पैसे आ गए, लेकिन एक टाइम आएगा कि उसको रोटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी क्योंकि उसका पेट भर जाएगा, तो वो रोटी कम खाता चला जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि चीजों की क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन गिरते क्रम में। जैसे इसको ऐसे समझ लो, किसी भी चीज की क्वांटिटी आपने दो मांगी पहले, फिर दो से वो चार हो गई, फिर चार से पांच हो गई, तो यहाँ डिफरेंस कितना है, दो का, यहाँ एक का डिफरेंस है, ये डिफरेंस गिर रहा है ना दो से एक पे। डिमिनिशिंग मार्जिन रेट इसी को कहेंगे ना, कि 2, 4, 5 ये तो बढ़ रहा है क्रम लेकिन इसका डिफरेंस गिर रहा है, उसी को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है ना। तो पहला हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि डिक्रीजिंग रेट पे गिर रहा है, किसमें? नेसेसिटी गुड्स में, क्योंकि कोई भी नेसेसरी की रिक्वायरमेंट है, पैसा आ रहा है लेकिन कितनी फुलफिल करोगे। नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी, खाना, कपड़ा। कपड़ा आप एक टाइम पे आएगा, आप कितना ले लोगे, अगर आप लोग खाना भी है तो वो भी कितना ले लोगे, मोबाइल फोन भी कितना चला लोगे, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट होती है ना इंसान की, गिरती चली जाएगी, उस क्वांटिटी को खत्म नहीं करते। लेकिन अब दूसरे केस में आएंगे हम, हमारे लग्जरी केस में। तो लग्जरी केस में क्या होता है कि इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन क्वांटिटी, दैट इज इंक्रीजिंग रेट, तो वो बढ़ती चली जाएगी हमारी। ये देखो क्वांटिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। कारण क्या है, क्यों? क्योंकि देखो लग्जरी में अब क्या होता है, लग्जरी में कोई लिमिट नहीं होती है चीजों की। अब लग्जरी में गाड़ी है, मोबाइल है, इंसान आज 20,000 का फोन अफोर्ड कर रहा है, कल उसको 30 का चाहिए, फिर 40,000, 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, आईफोन प्रो मैक्स चलता रहता है। गाड़ियों में भी वही चीज होती है, इंसान छोटी मारुति से शुरुआत करता है, फिर बढ़ते बढ़ते उसको मर्सिडीज भी चाहिए, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी। तो क्या है, क्वांटिटी बढ़ रही है ना उसकी, तो वो चीज खत्म नहीं हो रही है, तो इसलिए वो इंक्रीजिंग रेट में आता है। तो इसका एंजल कर्व यहाँ पे इस तरीके से कर्व में बनेगा। तो पहला हो गया नेसेसरी वाला, दूसरा हो गया लग्जरी गुड, और तीसरा आता है हमारा फिर इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड में क्या हो रहा है, इंफीरियर गुड में जो है क्वांटिटी गिरती जा रही है। क्यों? क्योंकि इंफीरियर गुड क्या होता है, क्योंकि वो एक गुड, अब क्या हो रहा है कि वो एक जगह पे लेना चाह रहा है चीजों को और बाकी चीजों को छोड़ता जा रहा है। तो जो वो ही हुआ कि जब पहले उसकी डिमांड कर रहा था लेकिन अब उसकी डिमांड गिर रही है, विद इंक्रीज इन इनकम दैट इज फॉल इन द डिमांड ऑफ अनदर क्वांटिटी। तो सिंपल एग्जांपल है कि भाई वो मेज बाजरा छोड़ के अब वो गेहूं चावल खरीदेगा, उसको वो ज्यादा लगे तो उसकी डिमांड गिर जाती है, वो आ जाता है हमारा इन्फीरियर गुड्स में। तो ये था हमारा तीसरा, इसका ग्राफ एंजल कर्व। तो इसका एंजल कर्व इस तरीके से कर्व बनेगा। तो आप हर जगह पे देख रहे हो कर्व बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, कहीं पे स्ट्रेट कर्व नहीं है। तो दैट इज इंक्रीजिंग रेट, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग रेट, एंड दैट इज डिक्रीजिंग रेट, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब इसमें लास्ट में जो हमारा बचता है, जो मैंने एक लास्ट रह गया था, वो था हमारा न्यूट्रल वाला। तो न्यूट्रल में एक सिंपल सी बात है कि इंसान की इनकम बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्ट की डिमांड में कोई चेंज नहीं है। एग्जांपल के तौर पर नमक, नमक तो इंसान स्वाद अनुसार उतना ही डालेगा, अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो क्या नमक की क्वांटिटी बढ़ा देगा? या पानी है, अगर इंसान पानी परचेज करके भी पी रहा है तो क्या पानी की कमी है उसको, क्या वो इनकम बढ़ने से वो पानी ज्यादा खरीदने लग जाएगा? तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी इनकम बढ़ने या घटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो उसका जो कर्व है वो इस तरीके से आएगा, ये क्वांटिटी है तो फिक्स रहेगी, इस तरीके से रहेगा, उसकी इनकम बढ़ती चली जाएगी लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से उसका इस तरह से कर्व बनेगा, ठीक है ना। तो ये था लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया था, और यही था हमारा एंजल कर्व जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से इनकम के बदलने से किस किस तरीके की सिचुएशंस देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा, नेसेसरी गुड्स के बारे में, लग्जरी गुड्स के बारे में, इंफीरियर गुड्स के बारे में, और एक चौथा था हमारे न्यूट्रल गुड्स के बारे में। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही था इसका टॉपिक, चीजें सारी अच्छे से क्लियर होगी होंगी आप लोगों को। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक में और जानेंगे कुछ नई चीजें। इंडिफरेंस कर्व वाली चीजें हमने ऑलमोस्ट कर ली है, एक दो अगर टॉपिक है तो वो मैं कवर अप कर दूंगा।
तो यही था आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक। और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी। तो यही था आज का टॉपिक और यहीं पर हम एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।